हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग देख रहे हैं पेपर टू में हम लोग फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री पे दो तीन लेक्चर्स में भी और लगेंगे और उसके बाद से आपका ये इंडस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जितनी भी टाइप की इंडस्ट्रीज हैं उनकी लोकेशन, उनका सेटअप और उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में रीजनलाइजेशन के बारे में और बाकी कुछ चीजों के बारे में देखेंगे आखिर में क्या कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा स्टडी मटेरियल एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज के लिए यू कैन आल्सो सब्सक्राइब एंड द इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन। इसके अलावा अगर जानकारी चाहते हैं आप तो आप recognitionis@gmail.com पे ईमेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में अगर देखें तो ऑलरेडी हम लोगों ने काफी कुछ चीजें देख रखी है, जैसे लोकेशनल फैक्टर्स के बारे में देख रखा है हम लोगों ने, इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग देखेंगे अपने लास्ट लेक्चर में, रीजनलाइजेशन के बारे में हम लोग इसी लेक्चर में देखने वाले हैं और इसके बाद से जो बचे हुए टॉपिक्स हैं लाइक आपकी मल्टीनेशनल लिबरलाइजेशन, SEZ, टूरिज्म एंड बाकी चीजों के बारे में देखेंगे। तो हालांकि हम लोगों ने इवोल्यूशन का चैप्टर देख रखा है, लोकेशनल फैक्टर्स देख लिया हम लोगों ने और इंडस्ट्रियल पॉलिसी देख लिया है। तो फिलहाल बात करते हैं पहले रीजनलाइजेशन की ओर, मल्टीनेशनल और लिबरलाइजेशन इन दोनों टॉपिक को देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैक्सिमम 2 or 3 वीडियोस इट विल टेक एंड वी विल फिनिश दिस इंडस्ट्री ज्योग्राफी। रीजनलाइजेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर में रीजनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रीजनलाइजेशन ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रीजन के बारे में, कंसेप्ट ऑफ रीजन को लेकर के आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव थिंग और वहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी कोरोग्राफी, कोरोलॉजी एंड जितनी भी चीजें थी उनको वहां से स्टार्ट करते हुए आप फिर अल्फ्रेड हेटनर के बारे में और फिर आगे जाकर के विडाल डे ला ब्लास और इन सब चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो रीजनलाइजेशन है दैट इज स्पेसिफिक टू इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन का मतलब ये होता है, यहां पर मैं आप लोगों का एक चीज रिलेट करना चाहूंगा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। कॉम्प्लेक्स और रीजनलाइजेशन में थोड़ा सा एक बेसिक सा डिफरेंस है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रीजनलाइजेशन के अंतर्गत या कह सकते हैं दिस इज द सबसेट, कॉम्प्लेक्स इज द सबसेट ऑफ रीजनलाइजेशन। अब देखिए इसको जरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं रीजनलाइजेशन। तो रीजन का मतलब होता है कोई एक ऐसा एरिया जहां पर उस पर्टिकुलर काम के लिए चीजें इन्वॉल्व होंगी। अब यहां पर जैसे सपोज इंडस्ट्रियल है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेटअप रहेगा। इस इंडस्ट्रियल सेटअप में क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सपोज फूड प्रोसेसिंग, अब ये फूड प्रोसेसिंग होगी ऑब्वियसली वो उस इलाके में ही लगाई जाएगी जहां पर बेसिकली फूड की हार्वेस्टिंग हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल विलेज एरिया में फूड प्रोसेसिंग मतलब कि फूड हार्वेस्ट हो रही है, इस फूड हार्वेस्ट को ट्रांसपोर्ट के जरिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भेजा जाएगा। तो कोशिश यही की जाएगी ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो वो मिनिमल से मिनिमल हो, कम से कम हो, और इसलिए जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स लगाए जाएंगे वो कोशिश यही की जाएगी कि विलेज एरिया के पास में लगाएं। लेकिन अगेन इसको विलेज एरिया में नहीं लगा सकते हैं बिकॉज इसको मार्केट तक पहुंचाना भी इसके लिए एक काम रहेगा, तो मार्केट के साथ भी इसको अलाइनमेंट रखनी है और इस वजह से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक ऐसे जगह पे डेवलप होगा जहां पर ना तो पूरी तरीके से अर्बन एरिया होगा और ना ही पूरी तरीके से विलेज एरिया होगा। इट विल मेक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, मतलब कि मार्केट और फूड हार्वेस्ट इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाएगा और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जनरली ये अर्बन स्प्रॉल या फिर टाउन एरिया में ही सेटअप किए जाते हैं। जैसे अगर आप शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में देख लीजिए या फिर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री को आप चूज कर लीजिए जो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग का काम कर रही हो, तो ये जनरली ऐसे ही इलाके में आपको मिलेगी जहां पर दोनों के बीच में बैलेंस मिल रहा हो। इसके अलावा अगर दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज मिनरल का ले लेते हैं, आयरन है। अब आयरन उस इलाके में इंडस्ट्री लगाई जाएगी जहां पर आयरन मिनरल मिल रहा हो, पहली चीज। दूसरी चीज,
जहां पर पावर प्लांट्स हो, पावर प्लांट का मतलब एक तरीके से जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। इन दोनों के साथ साथ ऑब्वियसली इस आयरन का रॉ फॉर्मेट में तो आप यूज करेंगे ही नहीं करेंगे, इसको आप इसकी प्रोसेसिंग मतलब कि जहां पर भी आयरन इंडस्ट्रीज होती हैं, आयरन इंडस्ट्री का मतलब जैसे ऑटोमोबाइल हो गया या मैकेनाइज्ड हो गया, तो जहां पर भी आयरन का यूज करना है वो इंडस्ट्री भी यहीं सेटअप हो जाएगी। इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो सिस्टम होता है इसी को बोला जाता है रीजनलाइजेशन। दिस इज द रीजियन जहां पर इस पूरे की पूरी चीजों को इकट्ठा एक जगह पर रखा जाता है। अब ऑब्वियसली इसका जब आप कैटेगराइजेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर इलाके में कितनी रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं, बताएंगे ना कि आखिर में रीजन है कि नहीं, तो आप देखेंगे वहां पर कितनी इंडस्ट्रीज, कितनी फैक्ट्रीज वहां पर रजिस्टर्ड हैं, कितने इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, कितने लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, कितने इंडस्ट्रियल वर्कर टू टोटल वर्कर जो है वो रेशियो क्या है, और साथ ही साथ में ग्रॉस इंडस्ट्रियल आउटपुट, इसके अलावा प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कह लीजिए के फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम इस रीजनलाइजेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे हाईली डेंस इंडस्ट्रियल एरिया, लेस डेंस इंडस्ट्रियल एरिया, तो इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। इस कैटेगराइजेशन को करने के लिए कई सारे ज्योग्राफर ने अपना अपना एक कैटेगराइजेशन फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। हमारा जो मेन सिलेबस में ऑब्जेक्टिव, सिलेबस में जो चीजें मेंशन है, दैट इज प्रोफेसर आर एल सिंह की क्लासिफिकेशन, और इस प्रोफेसर आर एल सिंह की क्लासिफिकेशन हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैंने यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है कॉम्प्लेक्स के बारे में। दिस इज एक्चुअली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हालांकि ये लास्ट में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, दिस इज इन आवर सिलेबस, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो इन दोनों के बीच में, देखिए थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस हो जाता है। रीजनलाइजेशन का मतलब होता है, एक छोटे से टर्म में यहां पर बोलूं तो एक तरीके का समझ लीजिए मोहल्ला, पूरा एक मोहल्ला, एक रीजन, एक कैटेगरी, ये होती है एक तरीके का रीजनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी रिसेंट में आप लोगों ने सुना होगा कि तमिलनाडु और यूपी में जो है एक डिफेंस कॉरिडोर बनाई जा रही है। ये जो डिफेंस कॉरिडोर है बेसिकली ये एक तरीके का इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन हो गया, या फिर कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, जैसे डीएमआईसी हो गया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, या फिर इसी तरीके से जो गुजरात के एरिया में है अहमदाबाद वडोदरा का हो गया, या फिर इसी तरीके से मदुरई और जो कर्नाटक के बीच का एरिया हो गया। तो इस तरीके की जो कॉरिडोर्स होती हैं वो बेसिकली होती है इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन। लेकिन विद इन दिस इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि जो होता है कोई एक सिटी ही ले लेते हैं, सपोज यू हैव अन सिटी, इस सिटी में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इलाका होता है जहां पर कूलर पूरा बिकेगा, केवल और केवल कूलर ही बिक रहा होगा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी होगी, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ही आइटम बिक रहा होगा, इसके अलावा फूड होगा, फ्रूट होगा, या मतलब स्टेशनरी हो गया, बुक्स हो गए, तो ये सब बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है, ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को अगर आप मिला देंगे तो ऑब्वियसली एक तरीके का रीजनलाइजेशन पैटर्न बन जाएगा। समझ में आया क्या चीज है? तो अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं तो पहले आप लोगों को पूरा का पूरा, जैसे अगर मान लीजिए आयरन या एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज वहां पे है, तो आपको लाइन से केवल और केवल बक्से बनते हुए मिल जाएंगे, या फिर लोहे के अलमारी, लोहे के मतलब लोहे का कोई ना कोई आइटम बनते हुए आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आगे चलेंगे तो फिर हो सकता है कि वहां पे कूलर की दुकानें मिल जाए, हो सकता है आगे जाकर के कुछ और अलग टाइप की शॉप्स मिल जाए। तो ये विद इन दिस रीजनलाइजेशन, उस गली, उस मोहल्ले, उस रोड पे मान लीजिए कि पूरा का पूरा रीजनलाइज्ड स्ट्रक्चर है, बस विद इन दैट रीजनलाइजेशन छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली कि किस तरीके से रीजनलाइजेशन का एक सबसेट कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो गया? अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर में ये जो प्रोफेसर आर एल सिंह का क्लासिफिकेशन है ये किस तरीके का है, तो देख लेते हैं। तो ये जो बेसिकली आर एल सिंह ने क्लासिफिकेशन दिए थे, उन्होंने बोला था कि अगेन हमें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इंडस्ट्री, कितने वर्कर फोर्स हैं, कितने लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इन छो पैटर्न को लेकर के हम लोग अगर रीजनलाइजेशन को देखें तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के कैटेगरी बनती है।
एक होती है जिसको मेजर इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं और दूसरा होता है जो माइनर इंडस्ट्रियल रीजन बनती है, दिस इज माइनर इंडस्ट्रियल रीजन। इन दोनों को हमें सेपरेटली देखना है और दोनों से ही एग्जाम आ सकता है, इसलिए काफी ज्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसको याद भी रखिएगा। क्योंकि देखिए इस पे क्या है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा और इनफैक्ट यूपीएससी में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इन द स्टेट पीसीएस यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और इनफैक्ट यूपी पीसीएस का एग्जाम जितने लोग दे रहे होंगे उनको पता होगा कि पोस्टपोन कर दिया गया है। 25 अगस्त को होने वाला था लेकिन अब जो ये पोस्टपोन कर दिया गया है 22 सितंबर को कर दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यू हैव मोर देन 50 डेज, और इनफैक्ट बहुत सारे ईमेल्स भी आए थे ये कि सब्जेक्ट नहीं प्रिपेयर हो पा रहा है, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन कवरिंग द सिलेबस। तो उन लोगों को देखते हुए मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन लॉन्च अ क्रैश कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस। और इसमें खैर हम लोग स्टार्ट करेंगे यही कि आपको पूरा जो कंटेंट है वो रिवाइज करवाया जाएगा, ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी इन द डेप्थ जो कि हम लोग फिलहाल डिस्कस करते हैं। वी आर एक्चुअली फोकसिंग सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हियर, बट इन दैट क्रैश कोर्स द ओनली फोकस विल बी स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस। उस क्रैश कोर्स में अगेन डिस्कशन भी रहेंगे और इसके अलावा जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा, मॉडल आंसर्स पर दिखाया जाएगा, बट दिस वी हैव टू फिगर इट आउट कि किस तरीके से करना है। खैर दैट इज अ डिफरेंट इशू, अगर इनकेस अगर इस तरीके की कोई कोर्स लॉन्च होती है तो उसके लिए सेपरेटली आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी दिस इज जस्ट इन आवर माइंड एंड इस पे वर्क करने की अभी जरूरत है, अभी ये फाइनलाइज नहीं है। खैर हम लोग आते हैं वापस से अपने इस इंडस्ट्रियल रीजन पे। द ओनली मोटिव हियर इज बताने का कि आप लोग प्रिपेयर करके रखिए, लास्ट मोमेंट पे आप ये मत सोचिए कि हमें कोई प्रिपेयर कराएगा और टाइम इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड। ठीक है, लकीली इस बार आपका कोविड के कारण से चीजें डिले हो रही हैं, बट अगेन मैं ये कहूंगा कि आप हमेशा अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके रखिए। इनफैक्ट अभी के बारे में अगर देखा जाए तो सिस्टम इज दैट कि कंटिन्यूअसली जितने भी एग्जामिनेशंस हैं वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। अब इसमें कई लोग जो हैं वो लेथार्जिक हो गए हैं, बैठे हुए हैं, एग्जाम नहीं हो रहा है तो हम पढ़ेंगे नहीं, इस मेंटालिटी पे आ गए हैं। बट द थिंग इज कि जब भी एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट होगा, सपोज मार्च 2021 ऑनवर्ड्स अगर स्टार्ट होते हैं, दैट इज अ हाईली एक्सपेक्टेड डेट कि मार्च ऑनवर्ड से शायद एग्जाम होने शुरू हो जाए, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। ऐसा कोई अभी कंक्रीट नहीं है कि आपका मार्च से ही स्टार्ट होगा, बट अक्टूबर डेट इज अभी बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि कंफ्यूज डेट है, वो पॉसिबिलिटी उसमें बहुत कम है। लेकिन अगर सपोज मार्च से इनफैक्ट अगर स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली उस टाइम आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यूपीएससी का एग्जाम तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में जितने भी स्टेट पीसीएस हैं वो भी लगातार एक एक वीक के इंटरवल पर करवाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगेन उनको भी जो है अपनी वैकेंसी को फिल करनी है। तो इस वजह से यही कहा, इस समय मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लगातार अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे ज्योग्राफी आपकी ऑप्शनल हो या अदर देन ऑप्शनल अगर कोई दूसरा ऑप्शनल हो तो वो भी आप प्रिपेयर करते रहिए। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो समय आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप वापस से प्रिपेयर कर पाए, यू कैन ओनली रिवाइज। इनफैक्ट रिवाइज करने का भी टाइम जो होता है वो नहीं हो पाता है, लेकिन यह है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से किए रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। ओके, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, इंडस्ट्रियल, हम लोग मेजर इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बात कर रहे थे। दिस वॉज द क्लासिफिकेशन गिवन बाई आर एल सिंह। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है, दैट इज द माइनर क्लासिफिकेशन। माइनर का मतलब यह है कि छोटी छोटी कॉरिडोर होंगी वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर बात करें तो दिस इज द मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, दिस इज मुंबई, दिस इज पुणे, दिस इज द इंडस्ट्रियल रीजन हियर, तो ये आपका मुंबई पुणे हो जाता है। अब इसके बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल केवल और केवल आप लिंक समझिए, दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रीजन। इसके अलावा सिमिलरली कोलकाता और हुगली का लिंक है, दिस इज अ सेकेंड लिंक यू कैन से। थर्ड लिंक अहमदाबाद वडोदरा का बन गया है, थर्ड लिंक। इसी तरीके से फोर्थ लिंक मदुरई और कोयम्बटूर के बारे में देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली द फोर्थ लिंक। फिफ्थ लिंक छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में देख सकते हैं, दिस इज छोटा नागपुर का प्लेटू। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं यूपी से दिल्ली के बीच में, दिस इज द यूपी दिल्ली, दिस इज लिंक। तो इस तरीके से लिंक हो जाती है। नाउ अब
कि आखिर में इन केस अगर एक्सप्लेन करने को आ जाए तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको इंडस्ट्रियल रीजन का क्वेश्चन आता है तो यू हैव फोर और फाइव फ्यू पॉइंट्स, चार पांच फ्यू पॉइंट्स आप बहुत आराम से यहां से कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लोकेशन के बारे में आप बता देंगे, लोकेशन। नंबर टू बता देंगे यहां पर कोई रॉ मटेरियल है कि नहीं है। इफ इन केस रॉ मटेरियल अवेलेबल है देन इट इज गुड एनफ। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो इंडस्ट्री जिस पर भी बेस्ड होगी उस इंडस्ट्री के बारे में आप बता देंगे। इफ इन केस अगर हिस्ट्री इन्वॉल्व है तो यू हैव टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑल्सो। लाइक मुंबई पुणे के बारे में ही बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा यहां पर डेवलप्ड है एंड द रीजन इज हिस्टोरिकल रीजंस कि यहां पर पहले से ही जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा जो है वो डेवलप हो रखी थी। इसके अलावा खैर कॉटन भी अवेलेबिलिटी होती है, बट अगेन द हिस्टोरिकल रीजंस आर प्रोमिनेंट वन एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू एक्सप्लेन दैट। इसके अलावा यहां पर आप बता सकते हैं कि किस तरीके की लेबर फोर्स है, मतलब माइग्रेटेड है या फिर किस तरीके का लेबर फोर्स है, ये आप बेसिकली यहां पर दिखा सकते हैं। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा आप मार्केट भी दिखा सकते हैं कि इंपोर्ट ओरिएंटेड है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एंड एक्सपोर्ट भी कहां कहां पर होता है, इज इट डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, दोनों ही चीजें डिस्कस करनी होगी। तो यहां पर आपके पास फोर टू फाइव पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं, लाइक मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो मुंबई पुणे में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको लोकेशन डिस्कस कर लेनी चाहिए। लोकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द कंट्री। द रीजन डेवलप्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, हु डेवलप्ड मुंबई सी पोर्ट। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल इन 1869, सी रूट बिकम बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली। इस लोकेशन के बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि यहां पर जो भी रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री या जिस पर भी बेस्ड इंडस्ट्री है उसके बारे में आप बताइए, इंक्लूडिंग द हिस्टोरिकल पार्ट इफ इट इज हैविंग एनी। तो वही चीज यहां पर है कि डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहां पर वही हिस्ट्री वाली पार्ट आपको बतानी पड़ेगी। लाइक हिस्ट्री के लिए आप जमशेदपुर, जैसे अगर टाटा मतलब कि स्टील इंडस्ट्री या आयरन इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, कोलकाता के बारे में आप बता सकते हैं। सैलम यानी कि आपका जो वाइजैक का एरिया है, या फिर मदुरई कोयम्बटूर का एरिया है, बॉम्बे का एरिया है, या फिर आपके गुजरात का एरिया है, ये सब रीजन जो है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। हिस्ट्री ही इनके इंडस्ट्रियल सेटअप को बनाई हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आप क्लाइमेट भी डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट ये लोकेशन में ही आपका चला जाएगा कि द ह्यूमन क्लाइमेट, नेचुरल पोर्ट फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रो पावर, स्किल्ड लेबर एंड अ वास्ट हिंटरलैंड प्रोड्यूसिंग कॉटन बिकेम द मेन फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल इंडस्ट्रियल रीजन। देयर आर मोर देन 8000 फैक्ट्रीज ओनली इन द ग्रेटर मुंबई। अब देखिए, दिस इज बेसिकली द डेटा ओरिएंटेड। इफ इन केस अगर आपको डेटा याद है, पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप्स इन द बॉम्बे या जहां पर भी है, तो आप वहां पर संख्या मत बताइए, नंबर मत बताइए, आप केवल और केवल जो है द वॉल्यूम, द ग्रेविटी ऑफ द सेटअप आप यहां पर बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा है, कम है, मॉडरेट है, इस तरीके के वर्ड आप यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ विच 350 बिलोंग टू कॉटन टेक्सटाइल, द अदर इंडस्ट्रीज ऑफ द रीजन आर इंजीनियरिंग गुड्स, इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेदर गुड्स, फार्मास्यूटिकल एंड फिल्म इंडस्ट्री। ये जो बताई गई है केवल और केवल बॉम्बे की बताई गई है। इसके अलावा आप पुणे के बारे में भी बता सकते हैं क्योंकि द लिंक इज मुंबई पुणे लिंक। पुणे के बारे में अगर देखेंगे तो इन एडिशन टू मुंबई एंड पुणे द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द रीजन कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर दो चार का नाम याद है देन इट इज गुड एनफ, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर बता सकते हैं कि दीज जो भी बीच में सिटीज आती हैं या जो भी एरियाज आते हैं दे आर आल्सो हैविंग द इक्वल इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन। तो जरूरी नहीं होता है कि आप हर चीज को याद ही रखें। द ऑप्शनल एक्चुअली रिक्वायर्स अ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, किस तरीके से आप लिख रहे हैं, किस तरीके से आप चीजों को डील कर रहे हैं। खैर, आप नाम ऐसा भी नहीं है, यू आर लिविंग इन इंडिया एंड यू हैव गॉन थ्रू विद दीज नेम्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन द करेंट अफेयर्स। लाइक अंधेरी नाम सुना ही होगा, घाटकोपर पिक्चर देखे होंगे तो आपको याद ही होगा, कल्याण, किरकी, कोल्हापुर, ये सब तो खैर बहुत ही कॉमन से नेम है और इजिली आपको ये ध्यान होगा।
This industrial region has almost reached the saturation level. Some of the important problem of this industrial region facing. अब देखिए इसके बाद से आप next और last sixth point बात कर लेंगे problems के बारे में. आप problems के बारे में बता दीजिए कि आखिर में क्या क्या problems है. इन problem में कुछ problem तो बहुत ही common सी होंगी, जैसे labor force की availability, skilled labor, obsolete machinery, electricity की जो भी शॉर्टफॉल होती है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन्स होती है, स्ट्राइक्स होती हैं, लॉकआउट्स होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, हाई रेट ऑफ क्राइम होता है, तो ये सब काफी इजीली जो है कुछ कॉमन से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी. इसके अलावा अगर कोई भी मान लीजिए कि आपका पोर्ट एरिया है या फिर कह लीजिए कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में ऑब्वियसली देयर विल बी वन मोर प्रॉब्लम एंड दैट इज इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ये भी आप आराम से चीजों को लिख सकते हैं. तो देखिए ज्योग्राफी ऑप्शन में आपको कोई भी चीज सच बुकिश नहीं होनी है, रट्टा नहीं मारना है, केवल आपको समझना है चीजें और आपको अपने मन से खुद की प्रॉब्लम सोच करके आपको लिखना है. तो यहां पर जो लोग भी रट्टा मारने वाले हैं उनको मैं अगेन यही बोलूंगा कि आप लोग रट्टा मत मारिए. अगर आप चीजों को समझे रहेंगे तो जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजिली उसको डील कर सकेंगे अगर उसकी प्रॉब्लम को, द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम को आप समझे रहेंगे तो. इसके बाद से एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जो यूपी वाले लोग हैं उन लोगों के लिए काम आ जाएगा, बिकॉज दिस इंडस्ट्रियल रीजन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसमें आगरा से दिल्ली को कनेक्टिंग है, तो आगरा, दिल्ली, कालका, सहारनपुर, तो बेसिकली यूपी से दिल्ली को कनेक्टिंग ये लिंक है. यहां पर अगेन जो होता है अगर देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे आगरा इज नोन फॉर व्हाट, दिस इज टूरिज्म इंडस्ट्री तो है ही, इसके अलावा दिस इज एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है. दिल्ली के लिए अगर देखेंगे तो दिल्ली में तो मुझे लगता है कि हर एक चीज है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, किसी एरिया में आप चले जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ना कुछ आपको करते हुए मिल जाएगा. चाहे आप नेहरू प्लेस में जा रहे हो, चाहे फिर आप चाणक्यपुरी में जा रहे हो, चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपको कोई ना कोई एक इंडस्ट्रियल सेटअप जरूर मिल जाएगा. द इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज्ड मेनली आफ्टर इंडिपेंडेंस. अगेन आपको सबसे पहले क्या बतानी है, लोकेशन बताना है, हिस्ट्री बतानी है, फिर उसके बाद से इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है, इंडस्ट्री बेस्ड अपॉन, ठीक है, फिर उसके बाद से आपको बताना है जो इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं, मतलब किस तरीके की इंडस्ट्रीज, और लास्टली आपको बता देना है व्हाट प्रॉब्लम्स इट इज फेसिंग. और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम, एक और चीज थी यहाँ पर जो स्किप हो गई है, दैट इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब किस पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो किस पर है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. तो यही चीज आपको बताना है. यहां पर आप बता देंगे एक एक्स्ट्रा चीज, जैसे मुंबई के लिए पोर्ट होती है वैसे यहां पर एयरपोर्ट है. तो बींग इन एंड अराउंड द नेशनल कैपिटल एंड इन द विसिनिटी ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट हैज अ मोर पावरफुल इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, largely free from the labor unrest and नक्सल movement. तो यहां पर ऐसा कोई लेबर अनरेस्ट या फिर नक्सल रेड कॉरिडोर तो है नहीं जहां पर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए. लेकिन अगर वही बंगाल के एरिया में देखेंगे जो कि आपका कोलकाता हुगली वाला रीजन है, वहां पर जो है ये नक्सल प्रॉब्लम अगेन एक बड़ा इशू बन जाता है. लेबर अनरेस्ट इज ऑल्सो देयर, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आप एक्स्ट्रा फेस मतलब बता सकते हैं. लेकिन फिलहाल अगर यहां पर मैं बोलूंगा तो ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, एंड दैट इज वाई This industrial region is exploring and achieving new heights of trade. It is located in most productive part of the country, providing enough raw material for the agro-based industries. The nearness of market and availability of hydropower from Bhakra Nangal and thermal power from Badarpur, Faridabad. तो यहाँ से इनको power भी मिल जा रही है, thermal power, hydropower की availability भी हो जा रही है, मार्केट की अवेलेबिलिटी भी हो जा रही है, तो अच्छा खासा यहाँ पर सिस्टम है. इसके अलावा अगर मान लीजिए कि नेचुरल गैस लेना है तो फिर इंद्रप्रस्थ चले जाइए, वहां पर आपको नेचुरल गैस की भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी. द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ द रीजन कौन कौन सी हैं, तो अगेन ऑलमोस्ट हर एक तरीके की इंडस्ट्री है, चाहे वो इंजीनियरिंग गुड्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, केमिकल हो, ग्लास हो, टेक्सटाइल हो, शुगर हो, या फिर कोई भी फूड प्रोसेसिंग या फिर एग्रीकल्चरल मशीनरी से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, तो हर चीज की यहां पर जो है एक तरीके से कह लीजिए कि सेटअप मौजूद मिलती है. जैसे अगर आगरा देखेंगे, आगरा इज नोन फॉर व्हाट, टेक्सटाइल एंड टूरिज्म, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग भी खैर है. अंबाला में देख लेंगे तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बन जाती है, चंडीगढ़ में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्ट्रेटेजिक गुड्स है, दिल्ली में देखेंगे तो नियरली हर चीज आपको मिल जाएगा, फरीदाबाद में इंजीनियरिंग है, गाजियाबाद में सिंथेटिक फाइबर, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल वगैरह है,
गुड़गांव में देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स हैं और साथ ही साथ में एक तरीके से सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी है। कालका में एचएमटी वॉचेस, मथुरा में पेट्रोकेमिकल, मेरठ में शुगर एंड टेक्सटाइल। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपको एक ओवरऑल सेटअप मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज याद रखें ही रखें, लेकिन अगेन अगर आप कभी भी इन एरियाज में रहे होंगे, गए होंगे, तो आपको खैर इस चीज की फील ऑलरेडी आपको ये जानकारी होगी ही कि किस इलाके में कैसा है। जैसे अगर इस गाजियाबाद के रीजन में ही देखें तो अगेन मोदीपुरम, मोदी नगर, ये सब जो है, मुरादनगर, ये सब काफी ज्यादा यहाँ पे फ्रिक्वेंट है। इनफैक्ट नोएडा इज ऑल्सो। तो ये एक तरीके से आप आराम से यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं कि वॉट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप इज देयर विद इन दिस इंडस्ट्रियल रीजन। क्लियर हो गया। हाई प्राइस ऑफ लैंड, ट्रैफिक जैम, हाई रेट ऑफ क्राइम आर मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस रीजन। तो क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, लोकेशंस नहीं मिलती हैं, दूरी बना के रखनी पड़ती है, दैट इज व्हाई देयर आर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट अगर किया जाता है तो वहां पर हाई रेट ऑफ क्राइम आ जाता है। इसके अलावा बाकी चीजें तो आप बता ही सकते हैं, लाइक लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी हो गई, स्किल्ड लेबर हो गया, ऑब्सोलीट मशीनरी हो गई, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई, इसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन वगैरह हो गए, तो ये सब तो कॉमन प्रॉब्लम है विच यू कैन राइट इन एनी आंसर। लेकिन यहां पर जो स्पेसिफिक है, दैट इज द हाई प्राइस ऑफ लैंड। अब दिल्ली में आप चले जाइए, जितने लोग तैयारी करने वाले होंगे उनको पता होगा कि मंथली कितना रेंट जाता होगा। ट्रैफिक जैम आप देख ही रहे हैं, और बाकी क्राइम तो खैर बताना ही नहीं है दिल्ली में कितना होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आती है कि माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स। ये जो माइनर इंडस्ट्रियल रीजन है, ये लंबी लंबी लिंक नहीं होती है, मतलब कि जैसे काफी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होती है, ये काफी शॉर्ट डिस्टेंस होती है। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कि एक तरीके से एक लिंक बना करके बस रखा गया है, एंड लोकल पॉपुलेशन, लोकल एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज में बोलूंगा, जीआई इंडिकेटर्स। जीआई इंडिकेटर जो होती है, बेसिकली वो टूरिज्म को भी प्रमोट करती है और साथ ही साथ में वहां की जो भी फूड है उसको भी एक अच्छा खासा जो है इंडस्ट्रियल सेटअप मिल जाता है। तो इस वजह से अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रियल रीजन। तो जीआई टैक्स है, लोकल हो जाता है, इसी वजह से ये लोकल तरीके से दिया भी जाता है। माइनर इंडस्ट्रियल सेटअप के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए कई सारे इंडस्ट्रियल सेटअप है, कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूपी में देखें तो कानपुर लखनऊ इंडस्ट्रियल रीजन मिल जाएगा। अब इस कानपुर लखनऊ में क्या होता है कि देखिए, लखनऊ इज नोन फॉर व्हाट, टेक्सटाइल, और कानपुर में केमिकल, जैसे लेदर इंडस्ट्री वगैरह है। इन दोनों का मिक्सचर कर देंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ न्यू इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई दिस इंडस्ट्रियल रीजन इज हैविंग वेरी मच इंपॉर्टेंस इन द नेशनल ट्रेड। इसके अलावा आसाम वैली हो गई, नॉर्थ बिहार कूच का एरिया हो गया, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल रीजन हो गए, इंदौर उज्जैन इंडस्ट्रियल रीजन, अमृतसर जलंधर का रीजन हो गया, दिस इज नोन मेनली फॉर द वूलन क्लोथ्स, ठीक है, नागपुर वर्धा गोदावरी कृष्णा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रियल रीजन, यहाँ पर तो कुछ ही लिखे गए हैं लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन हैं जो बेसिकली इस तरीके की माइनर लिंक बना करके रखे हुए हैं। You can also quote these examples or you can quote your own example, अपने तरफ से भी आप example को quote कर सकते हैं। Like यहाँ पर देखिए राजस्थान की link नहीं बनी हुई है, but again जो है बीकानेर जयपुर is a minor industrial region जो कि again important है। इसके अलावा अगर आप गुजरात में आ जाएंगे तो अहमदाबाद गांधीनगर, ये भी एक तरीके का इंडस्ट्रियल रीजन है। तो दीज आर हैविंग सम इम्पॉर्टेंस, लेकिन अगेन कंटेंट में कुछ ना कुछ तो कम ही रहेगा, आपको अपने से लिखना ही होता है। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर में, दैट इज द लिबरलाइजेशन एंड मल्टीनेशनल। तो आपको पता है कि मल्टीनेशनल, पहले तो आप ये देख लीजिए व्हाट इज मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल का मतलब होता है एक तरीके से जब भी कोई इंडस्ट्री या कुछ भी मान लीजिए, एनीथिंग, डजंट मैटर कि ओनली एंड ओनली इंडस्ट्री, एनीथिंग, अगर ये मोर देन वन कंट्री में सेटअप होता है, मोर देन वन कंट्री में सेटअप होगी तो इसको बोला जाएगा मल्टीनेशनल। अगर ये मान लीजिए इंडस्ट्री है, मतलब मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, देन इट विल बी नोन एज MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इसमें होता क्या है कि सपोज अ कंपनी इज अ इंडियन कंपनी, सपोज मान लेते हैं कोई इंडियन कंपनी है, ONGC ही मान लेते हैं, जैसे ONGC विदेश है, लाइक रिलायंस हो गया, रिलायंस इज अगेन जो है वो मल्टीनेशनल हो गई है। तो अब क्या है कि ये इंडिया में तो अपना सेटअप करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी ये फॉरेन कंट्री में, दूसरे कंट्री में जाते हैं, देन ऑब्वियसली दे आर सेटिंग अप देयर कंपनीज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट FDI,
डायरेक्ट एफडीआई के माध्यम से जो है यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। तो अब ये जितनी भी इकोनॉमिक्स के टर्म है एफडीआई एफआईआई एफपीआई ये सब आपको जानकारी होगी। अगर नहीं जानकारी होगी तो ऑब्वियसली यू कैन गो टू आवर प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज लेक्चर्स एंड देयर यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑल्सो। हिस्ट्री इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप इस तरीके से हो जाता है जिसको कि हम लोग मल्टीनेशनल बोलते हैं। इस मल्टीनेशनल का इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा ही कह लीजिए कि योगदान है, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन, बिकॉज दिस इज एक्चुअली कीपिंग आवर इकोनॉमी इन अ ग्रोइंग मैनर। तो ये अपनी इकोनॉमी को जो है काफी ऊपर लेकर के जाते हैं। दे आर एक्चुअली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड दैट इज वाई दे आर मेकिंग अ ह्यूज प्रॉफिट टू द इंडस्ट्री ऑल्सो एंड ऑल्सो टू द इंडियन इकोनॉमी। तो काफी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आखिर में ये जो मल्टीनेशनल का जो फंडा है ये आया कहां से। ये मल्टीनेशनल का फंडा हालांकि वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो बहुत पहले का है। इनफैक्ट ये जो मल्टीनेशनल का फंडा ये स्टार्ट हुआ था ग्रीक से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। और मल्टीनेशनल बाकी के कंट्रीज में जाकर के मार्केट को एक्सप्लोर करना, वहां पर इंडस्ट्री को सेटअप करना, और ये सब किया गया था। फिर उसके बाद से ब्रिटेन, फिर उसके बाद से तो खैर सारी ही कंपनी, स्पेन, फ्रांस, सबने ही यही काम किया था। डच ने भी वही काम किया हुआ था। और इस तरीके से कोलोनियल हिस्ट्रीज आपको पढ़ने को मिल जाती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए इंडिया में जो मल्टीनेशनल का फंडा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आफ्टर 1991 में एक पॉलिसी आई थी, दैट इज नोन एज एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, विच एक्चुअली मेड अ ह्यूज चेंज इन आवर इकोनॉमिक सेटअप। जैसे अगर बात करें 1990 से जस्ट पहले अगर देखा जाए तो देयर आर नंबर ऑफ वॉर्स, लाइक कंट्रीज वर वर्ल्ड एक्चुअली वॉज अ बाइपोलर वर्ल्ड, जहां पर इधर यू हैव टू फॉलो यूएस और यू हैव टू फॉलो यूएसएसआर। लेकिन अगेन जो है उस समय की जो कहानी थी, उस समय का जो सेटअप था, दैट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। गल्फ में वॉर चल रही थी, क्राइसिस ऑयल की हो रखी थी, इसके अलावा फूड सफिशियंसी हमारे कंट्री में नहीं थी, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो कंपेयर द सिचुएशन, ऑल दो द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज इंटायरली डिफरेंट, लेकिन खैर आप कंपेयर इस तरीके से कर सकते हैं। लाइक इन आवर अभी के प्रेजेंट केस में अगर देखेंगे कोविड केस में, तो ग्लोबल इकोनॉमी एक तरीके से शट डाउन ही है कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो मोशन में चल रही है, या शट डाउन ही आप उसको बोल सकते हैं। तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है आज की, और ग्लोबल इकोनॉमी जो 1990s के टाइम की थी, यू कैन कंपेयर दीज टू। एक्चुअली आप पॉलिटिकल रिलेशंस में, पॉलिटिकल जो रीजंस है उसमें मत जाइए, केवल और केवल इकोनॉमिक रीजंस में रहिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली दोनों ही जगह पर एक स्टैग्नेंट या फिर कह लीजिए शटडाउन था, जिसके कारण से इंडिया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी। एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट दोनों जगहों पर इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज आई है। जैसे अभी के केस में हम लोग मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये प्लानिंग कर रहे हैं, और उस समय हम लोगों ने ओपन की थी अपनी इकोनॉमी एलपीजी के फॉर्मेट में। एलपीजी के फॉर्मेट में हम लोगों ने यहाँ पर जब अपनी इकोनॉमी ओपन की थी तो हम लोग अपने फॉरेन पॉलिसीज में भी चेंज किए थे, हम लोग अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें भी हम लोगों ने चेंजेस किए थे, लेबर पॉलिसीज में भी हम लोगों ने चेंजेस किया थे, एंड दैट इज वाई ये जो एलपीजी पॉलिसी थी वो हिट गई थी। लेकिन अगर वही अगर आज के केस में देखेंगे तो वी आर एक्चुअली मेड अ ह्यूज चेंज इन आवर इकोनॉमिक पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू आत्मनिर्भर भारत। हम लोगों ने कई सारे चाइनीज आइटम को बैन कर दिया, इंपोर्ट रोक दिया है, मल्टीपल नेशन के और भी रोक दिया गया है, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी एक्चुअली। लेकिन वी हैव टू मेक फ्यू चेंजेस इन आवर फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक एज वेल एज द लेबर पॉलिसी। अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेन की कंपनी आ रही है, एफडीआई आ रही है, तो इट विल नॉट लुक द मार्केट ओनली, इट विल ऑल्सो लुक व्हाट काइंड ऑफ टैक्स कल्चर इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ लेबर फोर्स इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर देयर। तो इन सब चीजों को देखा जाता है किसी भी एक कंपनी के द्वारा। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे था तो एक्चुअल में उसमें एफडीआई का लॉस हुआ है। हम लोग एफडीआई उससे पहले काफी अच्छा आ रहा था लेकिन लॉस हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज कई सारे कॉम्प्लेक्स टैक्स कल्चर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, दैट यू हैव टू लुक इट आउट व्हेन यू आर रीडिंग योर इकोनॉमी सब्जेक्ट। खैर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज कंसेप्ट्स।
कमिंग टू आवर लिबरलाइजेशन कंसेप्ट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो लिबरलाइजेशन इन इंडिया इज अ रिफॉर्म एडॉप्टेड टू एक्सेलरेट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन क्या थी? टू परमिट इंडियन एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स टू एंटर द पावर रोड एंड कम्युनिकेशन एज वेल एज इन द पेट्रोलियम सेक्टर दैट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन ले ग्रेटर इंफेसाइज ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. अब यहां पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन करना इज गुड थिंग, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो लोगों तक पहुंचना, ये इंश्योर करना होता है सरकार का काम. सरकार किसी भी चीज को प्राइवेटाइज करना या फिर उसको पब्लिक करना, इट ऑल डिपेंड्स कि एक्चुअल में द बेनिफिट्स इज देयर, ऑल द बेनिफिट्स एक्चुअली रीचिंग टू द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और नॉट, ये एक्चुअली इंश्योर करना यही होता है सरकार का काम इन अ डेमोक्रेसी. और वही यहां पर भी काम किया गया कि जितने भी सेक्टर्स हैं उनको ओपन जरूर किया गया इंडियन एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लेकिन यहां पर ये इंश्योर किया गया कि आखिर में जो सोशल डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं, और इसी को इंश्योर करने में ही पूरी की पूरी सिस्टम लगा दी गई थी. और इनफैक्ट काफी अच्छा हमें इफेक्ट भी देखने को मिला. इनफैक्ट विद इन 10 ईयर्स हमें इकॉनमी में एक अच्छा खासा बूस्ट मिला, और ये इतना अच्छा बूस्ट था कि जब इकॉनमी स्लो डाउन हो रही थी ग्लोबल इकॉनमी, व्हेन एक्चुअली इट वाज गोइंग डाउन, इंडियन इकॉनमी वाज गोइंग अप, और ये काफी बड़ा चेंज था. और इसी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की काफी ज्यादा जो है प्रशंसा प्रेज भी किया जाता है. अंडर लिबरलाइजेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जुलाई 1991 वाज अडॉप्टेड टू रिमूव द ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल. अभी तक एक्चुअली होता था क्या कि प्राइवेट एंड पब्लिक थिंग्स वर देयर, ऐसा नहीं था कि 1991 से पहले प्राइवेट था ही नहीं, प्राइवेट था बट कम था, चीजों के बारे में काफी ज्यादा रेगुलेशंस थी, काफी ज्यादा कह लीजिए कि कंस्ट्रेंट्स थी, लाइसेंस नहीं दिया जाता था जल्दी तो. और पब्लिक में क्या है, पब्लिक में लेथार्जिक था सिस्टम, काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस थी, कंपटीशन नहीं था, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग योर सैलरी विदाउट डूइंग एनीथिंग व्हाई वुड यू डू एनीथिंग, सिंपल सी बात है. तो यही चीज होती है, अगर आप कुछ सरकारी में यह दिक्कत है कि अगर आप कुछ कर देंगे तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी जरूर रुक सकती है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है. और यहीं से जन्म होता है रेड टैपिज्म का, दिस इज एक्चुअली रेड टैपिज्म. अगर आप कुछ कर देंगे देन ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके कोई भी काम किया गया उसके कारण से किसी सेक्शन को मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो गई, उसके कारण से आपके ऊपर हो सकता है इंक्वायरी बैठा दी जाए, इंक्वायरी बैठा दी जाएगी, मान लीजिए आपकी कह लीजिए कि जो होता है वो रिटायर होने वाले थे तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, सिस्टम आपका नहीं चलेगा, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सामने. तो इस वजह से रेड टैपिज्म वाली जो भावना होती है वो काफी ज्यादा ही ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में चलती है. दैट इज वाई 1991 पॉलिसी एक्चुअली रिमूव्ड तो पूरी तरीके से नहीं, एब्सोल्यूट फॉर्मेट में नहीं, बट हाँ सम फॉर्मेट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स को रिमूव कर दिया गया, विच वॉज अ बैरियर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इनफैक्ट लिबरलाइजेशन मीन्स डी रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर बाई कटिंग डाउन द मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इन द ऑपरेशन, इंस्टेड लेटिंग द मार्केट फोर्सेज ऑपरेट थ्रू द प्रॉफिट मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड फ्री कंपटीशन अमंग देम टू रेगुलेट एंड गाइड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर. तो खैर ये चीज आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअल में क्या चीज यहाँ पर डिस्कस की जा रही है. जितने भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं दे आर एक्चुअली स्लोइंग डाउन द प्रोसेस, चीजों को जो है वो स्लो डाउन कर देते हैं, चाहे वो लाइसेंस के माध्यम से हो चाहे वो आपके अप्रूवल के माध्यम से हो, दोनों ही अगर करना रहेगा तो ऑब्वियसली फाइल इधर से उधर, उधर से इधर, और उसके बाद से गवर्नमेंट में ज्यादा कुछ क्लैरिटी भी आपको नहीं दिखेगा और आप कंफ्यूज हो जाते हैं. एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट यू स्टार्ट लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स एंड देयर अगेन गिव्स अ न्यू बर्थ टू द करप्शन. तो यहाँ पर जो है मैल प्रैक्टिसेस इन सब का जन्म होता है. तो इस तरीके से सिस्टम जो होती है वो इनिफिशियंट हो जाती है, और इस वजह से अगेन जो होता है इस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को हटाना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और यही लिबरलाइजेशन ने काम किया भी था. अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस हैज बीन एबॉलिश्ड फॉर ऑल इंडस्ट्रियल सेटअप्स एक्सेप्ट 16 प्रोडक्ट. अगर आप 16 प्रोडक्ट को देखेंगे तो एक्चुअल में यह 6 कैटेगरी में था, ये डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है, रेलवे से रिलेटेड हो सकता है, केमिकल से रिलेटेड हो सकता है, इसके अलावा
जो आपके पेट्रोकेमिकल या फिर कह लीजिए कि जितने भी एक्सप्लोजिव्स थे उनसे रिलेटेड ये सारा सिस्टम था, एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक से रिलेटेड था। इन छह सेक्शन को आप बहुत ही आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगराइज किया गया है, लाइक ऑटो स्पेस इक्विपमेंट्स हो गई, अल्कोहल हो गया, एस्बेस्टॉस, कैमोस लेडर हो गया, कोल एंड लिग्नाइट हो गई, और बाकी चीजों के बारे में भी देखेंगे तो मोर और लेस आपको इन्हीं छह सेक्टर्स में कैटेगरी में ही आपको दिखेगा। लिबरलाइजेशन हैज ओपेंड द इकोनॉमी टू डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद 51% इक्विटी एंड स्टार्टेड विद द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज। एबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मोस्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स, तो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी हटा दी गई थी। सब्सटैंशियल रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर कर दिया गया है, जिसे इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आज की डेट में गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिसइन्वेस्टिंग द थिंग्स। जितने PSUs हैं चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे लॉस मेकिंग हो, गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली डिसइन्वेस्टिंग ऑल द PSUs। लेकिन अगेन गवर्नमेंट बोलती है कि PSU को हम डिसइन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हम जो है अपने कंट्रोल में रखे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। एक्चुअली द थिंग इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ इज इन डिसइन्वेस्टिंग इट्स 51% शेयर, अपने 51% शेयर को डिसइन्वेस्ट तो जरूर कर रही है लेकिन विद अ क्लॉज दैट द मैनेजेरियल पावर विल बी विथ गवर्नमेंट। तो जितने भी मैनेजमेंट सी चीजें रिलेटेड रहेंगी वो अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी, लेकिन अगेन अगर आपके पास शेयर ही नहीं है तो उस मैनेजेरियल पावर का क्या, कल को अगर प्राइवेट एंटिटी वहां से बाहर चली जाती है विल यू बी एबल टू मैनेज दैट थिंग। तो दिस विल बी अगेन अलार्मिंग इश्यू फॉर गवर्नमेंट इन द नियर फ्यूचर। तो वही चीज यहां पर भी होती है कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग टू रिड्यूस गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग टू 51%। देखिए दिस इज जस्ट अ ओपिनियन हियर कि फिजिकल डेफिसिट को कम करना ये काफी जरूरी और अच्छी चीज है लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं। आप डिसइन्वेस्टमेंट करके यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग डाउन द फिगर ऑफ फिजिकल डेफिसिट। आप बोल रहे हैं 3% ऑफ द फिजिकल डेफिसिट हम लेकर के आएंगे बाय द एंड ऑफ 2022 तक। अगर फिजिकल डेफिसिट लेकर के कम डाउन करना है, सीधी सी बात है कोरोना पीरियड चल रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू बी 3% बाय 2022। लेकिन अगेन कंटिन्यूअस डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। प्राइवेटाइजेशन हैज ऑलरेडी रिपोर्टेड द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ऑफ इन द कोरोना पीरियड, लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों को प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन अगेन डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो देयर विल बी ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन खैर देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, देखते हैं क्या होता है, क्या यहां पर इम्पैक्ट निकल के आता है। लेकिन फिलहाल दिस इज अगेन अलार्मिंग, ये देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। इकोनॉमी में देखिए यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, कोई भी चीज आपकी 100% श्योर नहीं हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन पीरियड चल रही थी जब, तो उस समय क्या है कि इकोनॉमी वॉज एक्चुअली वो शट डाउन थी, बट अगेन जो शेयर मार्केट थी वो लगातार राइज कर रहा था। तो ये काफी ज्यादा जो है वो कह लीजिए कि डिसलिंक्ड चीजें हैं, तो ये अलग चीजें होती हैं। हो सकता है कि बुकिश नॉलेज पे अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट एक्चुअली अ गुड स्टेप, बट अगेन प्रैक्टिकल थिंग पे जाएंगे तो हो सकता है कि इसके इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर में अच्छे निकल के आए। तो अगेन जो होती है यू आर अ सिविल एस्पिरेंट, आपको पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स दोनों ही तैयार करके रखने होते हैं। व्हेनेवर यू आर गेटिंग इनटू इंटरव्यू आपको फिर दोनों ही पॉइंट वहां पर बताने पड़ेंगे। खैर अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द गवर्नमेंट साइड इन द इंटरव्यू, देखना होता है भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है। यू आर गोइंग टू बी इन द गवर्नमेंट एंड इफ यू आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट देन ऑब्वियसली दे विल नॉट सेलेक्ट यू, लेकिन खैर आपके पास पॉइंट होने चाहिए, वैलिड पॉइंट्स। खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आखिर में इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन क्या हुआ? तो देखिए हर एक एक्शन का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होता है और कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी होता है। पॉजिटिव इंपैक्ट में अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, अच्छी चीज है। लेकिन ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दिस इज एक्चुअली टेम्पररी, या बोल सकते हैं कि दिस इज टेम्पररी, क्योंकि यहां पर जो मैक्सिमम FDI आई थी वो इंस्टीट्यूशन या फिर पोर्टफोलियो के फॉर्मेट में आई थी, दिस इज FPI। FPI में क्या होता है कि आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उतना ही तेजी से आप डिसइन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जो कंपनी सेटअप हो रही है या जहां पर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है दैट वाज नॉट स्टेबल, एंड दैट इज वाई कंपनी जो भी थी वो परफॉर्म अच्छे तरीके से उतना नहीं कर पाई। तो अगेन यहां पर जो होता है एक
तलवार की धार लटक रही थी। इसके अलावा एनहांसमेंट इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, दिस इज द गुड थिंग, क्योंकि यहां पर एटलीस्ट जो एक मार्केट रुक गया था उस मार्केट को वापस से थ्राइव डाउन किया गया, वापस से इसको चलाना शुरू कर दिया गया, तो इस तरीके से चीजें जो है वो चलना शुरू हो गई। रिड्यूसिंग इन रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल रिसेशन, इंडस्ट्रियल रिसेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, ना तो लोन्स अवेलेबल हो पा रहे थे, ना तो बैंक ही सिचुएशन में थे कि वो आगे जाकर के लोन दे सके, तो दोनों ही सिचुएशन को जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की इफेक्ट होती है वो कहीं ना कहीं यहां पर भी हमें देखने को मिल रही थी, और इस वजह से जो रिसेशन का पीरियड था उसको रोका गया बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट एंड आरबीआई। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन किया गया, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया, राइज इन एक्सपोर्ट्स हुए, इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटी, दिस वॉज एक्चुअली अ निगेटिव पॉइंट हियर। हुआ क्या कि जो भी रिच थे वो रिचर होते गए और जो पुअर थे वो पुअरर होते गए, और जो इन दोनों के बीच का डिवाइड था वो समय के साथ में बढ़ता गया, क्योंकि जो रिच था उसके पास नए नए ऑप्शन आ रहे थे, उसके पास चीजें एक्सप्लोर करने को आ रही थी, बट जो पुअर था उसके पास ऑप्शन उतने नहीं थे, और ऑब्वियसली अगर आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल गिव यू 100 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको केवल और केवल 4 ही मिलेगा, और इनफैक्ट अगर मान लीजिए कोई 0.1 होगा तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डाउन, ये और नीचे चला जाएगा। तो इस वजह से यहां पर जो चीजें थी वो कुछ इस तरीके की निकल के आए, इसी वजह से इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटी हमें देखने को मिल जाती है। डैमेज टू द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हुआ क्या कि जो छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थी, उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि जो भी मशीन मैकेनाइज्ड फॉर्मेट में इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उनकी जो प्रोडक्शन थी वो काफी हाई थी, सस्ती थी और मार्केट को कैप्चर कर लिया गया था। लेकिन वही जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन आप लोगों ने देखे होंगे बनते हुए, लेकिन मिट्टी के बर्तन आज के डेट में केवल और केवल अगर आप किसी पूजा वगैरह में कोई अनुष्ठान हो रहा है, मतलब कुछ भी अगर फेस्टिव सीजन है, देन ओनली यू विल बाय इट, यू विल परचेज इट, अदरवाइज कोई भी उसे नहीं पूछता है, सब लोग वही कहेंगे कि दिस इज वेरी फ्रेजाइल, टूट सकता है, कोई मतलब नहीं है लेने का, तो ये चीज हो जाती है। या फिर आज की डेट में केवल और केवल ये सजाने के काम में आ गया है। पहले के टाइम में गर्मी के टाइम में सुराही होती थी, सुराही में लोग पानी रखते थे, पानी पीते थे, उससे जो मिट्टी होती थी उसके मिनरल्स भी आते थे और लोगों की हेल्थ भी होती थी, बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रेफ्रिजरेटर्स, RO, और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं सामने। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, अगेन जो है जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जो है सोफिस्टिकेटेड हो गई है और इसकी भी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा माना गया कि इफ इन केस FDI अगर आती है तो इट विल ट्रांसफर देयर टेक्नोलॉजी टू द इंडियन कंपनी एंड इंडियन कंपनी कैन यूज दैट टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया गया, ओनली एंड ओनली जो है प्रोडक्शन में ही रखा गया, जिसके कारण से प्रॉब्लम आगे फेस होती है। कंपैरेटिवली लिटिल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो केस मैंने यहां पर बताया है FPI FII का, सेम केस यहां पर वही चीज डिस्कस किया गया है कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट की गई दैट वॉज टेम्पररी एंड दैट इज वाई कंपनीज जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ले सकती थी वो नहीं ले पाई, केवल और केवल शॉर्ट टर्म में ही रहेगा और इस कारण से कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट इन सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज, केवल और केवल कुछ ही सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्टमेंट की गई, सारी इन्वेस्टमेंट हर जगह पर नहीं की गई थी, जिसके कारण से अगेन जो है प्रॉब्लम हो गई थी। अगर ये सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप होता, देखिए प्रॉब्लम इज दैट इन द इकॉनमी इफ एनी ऑफ द लिंक इज नॉट परफॉर्मिंग देन ऑब्वियसली इकॉनमी इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म, चाहे वो आपकी प्राइमरी लिंक हो, चाहे सेकेंडरी लिंक हो, टर्शरी हो, क्वार्टरली, कुछ भी कोई भी लिंक हो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही है देन ऑब्वियसली इकॉनमी विल नॉट परफॉर्म एंड अल्टीमेटली जो है एक शॉक जरूर आएगा। अगर PNB स्कैम देखेंगे आप तो सेम चीज वहां पर भी थी कि वहां पर अकाउंटेबिलिटी वाली चीज नहीं आ रही थी, PNB वॉज कंटिन्यूअसली गिविंग लोन्स टू द जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अल्टीमेटली आपने देखा ही क्या चीजें हुई हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स आर एट स्टेक, अगेन दिस वॉज अ थिंग। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी हुआ, इन्फ्लेशन खैर शॉर्ट टर्म था, फिर अल्टीमेटली जो है चीजें जो है वो नॉर्मल हो गई थी। तो ये थी बेसिकली पूरी की पूरी लिबरलाइजेशन का केस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस SEZ और बाकी आगे की चीजें जितनी भी है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप यहां पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SEZ और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।